तैयारियां हैं? देखिए, आने वाले त्योहार और लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए आज से जो है रूट मार्च और किया जा रहा है, इंश्योर किया जाएगा कि त्योहार और इलेक्शन बहुत ही पीसफुल है। ये लास्ट टाइम जब सीएए का मुद्दा आया था तब जबलपुर में बहुत सारी इस तरह की गतिविधियां आंदोलन हुए थे जिसको लेकर उस समय टेंशन हुआ था, तो इस बार उसको लेकर कितनी सतर्क है पुलिस? देखिए, उसके सभी लोगों पे नजर रखी जा रही है और ये इंश्योर किया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ऐसे अवसरों में देखा जाता है कि सोशल मीडिया में बड़ा गलत तरह का प्रचार होता है, कुछ इस तरह की चीजें होती है जो उकसा देती है, उसके लिए पुलिस क्या सावधानी बरती है? देखिए, सोशल मीडिया में भी नजर रखी जा रही है, हमारे साइबर सेल काफी एक्टिव है और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा। त्योहार है, लोग अच्छे से त्योहार मनाए, उसके लिए जबलपुर के नागरिकों से क्या अपील करती है? देखिए, मेरा सबको कहना है कि कानून का पालन करें और अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं और हम लोग हर तरीके से सामाजिक तत्वों पर नजर रख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करे उसके खिलाफ। तो ये थे जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप जी, साफ कह रहे हैं कि जो भी शांति व्यवस्था को भंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये लोग शांति से उत्साह से अपना त्योहार मनाएं और किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश ना करें, वही उनके लिए बेहतर होगा। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।